नमस्कार, डीएनएक्स गोट गासिप में स्वागत है आपका। गासिप गोट में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की कर्मठता की। छत्तीसगढ़ सरकार कर्मठ सरकार, केयरिंग सरकार, और केयरिंग सरकार के राज में बाजेगा पोंगा। कोरोना काल है, कोरोना काल में स्कूलों में लगा हुआ है ताला। बच्चे अपनी घरों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके का कोई हर्जा न हो इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए नित नए नवाचार के अनुसंधान में जुटी हुई है। पहले ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कई किस्म के प्रयोग किए गए, उसमें सफलता मिली या असफलता यह कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है प्रयास। भगवान श्री कृष्ण का वचन भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सरकार ने कर्म तो किया है, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई की दिशा में नित नए कर्म में जुटी हुई है सरकार। हमारी सरकार एक और कार्य करने की ओर अग्रसर होने वाली है। शिक्षक अब लाउड स्पीकर से पढ़ाएंगे। जी हाँ, गांवों में बजेगा पोंगा। स्कूलें बंद है, इसलिए गांवों में माइक लगाए जाएंगे। सुबह से शाम तक अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विषयों की पढ़ाई होगी। बच्चों के पढ़ाई के लिए ऐसी कर्मठ सरकार पर भला कौन न रिझेगा। कमियां खामियां निकालने वाले निकालते रहे निठल्ले लोग। कुछ तो लोग कहेंगे कि तर्ज पर अब बाजेगा पोंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डीएनएक्स गासिप गोट की अगली कड़ी। घूम घूम कर बीने सोचे थे राखी में आ जाएगा। जी हाँ, ये लो भैया, सरकार ने गोबर खरीदी के भुगतान की तारीख भी तय कर दी। 2 हफ्ते में होगा पेमेंट। पहला पेमेंट 5 अगस्त को होगा, सीधे खाते में जाएगा पैसा। प्रशासन ने सबसे बड़े साहब सहित कृषि सचिव, वित्त सचिव, सहकारिता सचिव और पंचायत सचिव की कमेटी भी बना दी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर नोडल बनाने का भी प्रावधान है। भुगतान के निर्णय के बीच गासिप गोट को मिली जानकारी के अनुसार जनता में गोबर विक्रेताओं और संकलनकर्ताओं में प्रसन्नता तो है ही, पर थोड़ा दुख भी है। दुख किस बात की? दुख की चर्चा में आपस में लोग गोठिया रहे हैं। सोचे थे राखी अच्छे से मन जाएगी गोबर की राशि से, इसीलिए घूम घूम कर बीने और बेचे थे गोबर। खैर, चर्चा में एक यक्ष प्रश्न भी है। बरसात के दिन हैं, डिसेंट्री डायरिया का समय है। कुछ पतला अर्थात तरल नुमा गोबर को सरकार किलो के भाव खरीदेगी या लीटर में? गजब गोट भाई, परेशान होने की क्या बात। भारी भरकम कमेटी है, ठोस तरल का निर्णय तो कर ही लेगी। गासिप गोट की अगली कड़ी, बात साहे विज्ञापन मुनीमी न कर। वाह, सरकार के 2 बड़े मंत्री कल आगे आए। दोनों बड़े मंत्री ने आकर पूर्व मुख्यमंत्री के विज्ञापन वाले प्रश्न और गोबर खरीदी की राशि पर पलटवार कर दिया। उत्तर भी इस अंदाज में कि यहाँ गोबर पर प्रश्न उठाने वाले संचार क्रांति, स्मार्टफोन, नया रायपुर, कमल विहार, स्काईवॉक, एक्सप्रेसवे, मंडवा ताप, बिजली घर और फला 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 सबके विज्ञापन में कितना फूके। साथ ही यह भी कहने से नहीं चूके कि विदेशी निवेश लाने में कितना पैसा आपने विज्ञापन में खर्च किया। जवाब, पूरा जवाब, सरकार का पूरा जवाब। दोनों मंत्री की मौजूदगी पर जिस मंत्री के विभाग के सिलेबस का प्रश्न उठा था, दूसरे मंत्री के विभाग के सिलेबस से उत्तर दे दिया गया। वाह भाई, गोलमाल सब गोलमाल। और आज अंत में सीरियस गोट। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। लगभग पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश की स्थिति मुंबई दिल्ली जैसी नहीं कहे जाने से लोगों में राहत देखने को मिल रहा है। उनके इस बयान से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों और निर्णयों में अब निजी अस्पतालों में भी चिकित्सा शामिल होने के साथ सी कैटेगरी के मरीजों के लिए होम आइसोलेशन का निर्णय भी लिया जा चुका है। बहरहाल, प्रदेश की राजधानी में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट की श्रेणी में है। इतना पावरफुल है कि अस्पताल शीघ्र ही हो सकते हैं फुल। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कोरोना वायरस को लेकर सरकार को सुझाव दिया है।
उन्होंने सभी वर्ग में फैलते कोरोना वायरस के सघन बस्तियों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों में फैलते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उन्होंने शासकीय अस्पतालों में सिर्फ गंभीर मरीजों के इलाज करने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया है। आज गोट गॉसिप में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य विषय के साथ। शुभ दिन, शुभ पहर, शुभ रात्रि, शबा खैर।